गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4 में हम स्टार्ट करेंगे कि स्टोरेज टैंक क्या होता है। ठीक है, किसी भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में या फिर किसी और अदर केमिकल इंडस्ट्रीज में जो स्टोरेज टैंक यूज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, उनका डिजाइनिंग प्रोसेस क्या रहता है, ठीक है, और कौन से टाइप के अपन स्टोरेज टैंक को कहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि स्टोरेज टैंक क्या होते हैं और उनके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, स्टोरेज टैंक क्या होता है, जनरली कहीं पे भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में ऑयल एंड गैस स्टोरेज टैंक्स आर कंटेनर्स यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ द ऑयल एंड गैस एंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, कोई भी कंटेनर जिसमें अपन ऑयल एंड गैस या उसके जो भी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स है उनको स्टोर करने के लिए यूज करते हैं उनको बोलते हैं ऑयल स्टोरेज टैंक्स। ठीक है, ये तरह से क्या हुआ कि आपका आर्टिफिशियल लेक की तरह काम करता है। ठीक है, कोई भी कंटेनर है वो टैंक है वो अपन ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि जैसे अपनी लेक है वो अपन आर्टिफिशियली अपन ने जनरेट किए उसके अंदर अपन स्टोर करके रख रहे हैं ऑयल एंड गैस को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये जो मोस्ट ऑफ दी स्टोरेज टैंक है इनका डिजाइनिंग और जो इनको बिल्ड करते हैं वो स्पेसिफाइड होता है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में यूज होते हैं बेसिकली ऑयल एंड गैस स्टोरेज टैंक्स उनकी डिजाइनिंग या उनकी जो बिल्डिंग प्रोसेस होती है उनके स्पेसिफिकेशन अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है उससे स्पेसिफाइड होते हैं और वो आपका स्पेसिफिकेशन नंबर है API 650। उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी टैंक्स वगैरह होते हैं उनकी बिल्डिंग या उनकी कंस्ट्रक्शन की जाती है। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट है स्टोरेज टैंक्स कैन हैव डिफरेंट साइजेस रेंजिंग फ्रॉम 2 मीटर टू 60 मीटर डायमीटर। ठीक है, इनके जो स्टोरेज टैंक है इनकी साइज है शेप है वो डिपेंड कर सकती है, उनकी अलग अलग रेंज हो सकती है, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग शेप के हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट है वो अपन आगे देखेंगे कि कौन से फैक्टर को देख के इनको कैसी शेप में डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो इनका जो डायमीटर है वो 2 मीटर से 60 मीटर या उससे ज्यादा भी वैरी कर सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये जो स्टोरेज टैंक है उनको एक बेसिन के अंदर अपन इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, स्टोरेज टैंक्स आर इंस्टॉल्ड इनसाइड कंटेनमेंट बेसिन इन ऑर्डर टू कंटेन स्पिल्स इन केस ऑफ रप्चर ऑफ द टैंक। ठीक है, ये जो आपके स्टोरेज टैंक है इनको अपन क्या करते हैं कि कंटेनमेंट बेसिन या टैंक फॉर्म के अंदर अपन इसको रखते हैं। क्यों? क्योंकि इस केस ऑफ अगर टैंक आपका रप्चर हो गया है और उसकी वजह से ऑयल स्पिल हो गया है तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसकी वजह से एनवायरमेंट को कुछ हार्म नहीं हो या फिर इमरजेंसी फायर एक्सप्लोजन वगैरह नहीं हो, दैट्स व्हाई अपन क्या करते हैं कि कंटेनमेंट बेसिन जनरेट करते हैं, उसके अंदर आपके जो टैंक वगैरह है ऑयल एंड गैस के उनको कंटेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये जो वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे ऑयल एंड गैस स्टोरेज टैंक्स आपके यूज होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इंडस्ट्रीज वेयर स्टोरेज टैंक्स कैन बी फाउंड आर द पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एंड रिफाइनिंग कंपनीज। ठीक है, उसके अलावा आपकी पेट्रोकेमिकल एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या फिर बल्क स्टोरेज टैंक में करना हो ऑयल एंड गैस का वहाँ पे या फिर कहीं पे ट्रांसफर ऑपरेशन हो रहे हैं जैसे ऑयल एंड गैस को ऑफशोर से मुझे अगर लैंड तक ट्रांसफर करके लेके आना है देन वहाँ पे ट्रांसफर ऑपरेशन में या फिर उसके अलावा कहीं भी अदर इंडस्ट्री लाइक कंज्यूमिंग और प्रोड्यूसिंग लिक्विड्स एंड पेपर्स। ठीक है, ये सारी इंडस्ट्रीज होती है जो अलग अलग टाइप के स्टोरेज टैंक्स को यूज करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि आपका जो कंटेनमेंट बेसिन है टैंक फॉर्म है उसके बारे में अपन ने बोला था कि कोई भी ऑयल एंड गैस के स्टोरेज टैंक है उनको अपन एक कंटेनमेंट बेसिन जनरेट करते हैं उसके अंदर प्लेस करते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि कंटेनमेंट बेसिन क्या होता है आपका कंटेनमेंट बेसिन क्या होता है इसको क्यों यूज करते हैं। सिंस मोस्ट ऑफ द लिक्विड से स्पिल इवेपोरेट और स्लिप थ्रू इवन द स्मॉलेस्ट ओपनिंग मतलब कि जो लिक्विड्स हैं आपके वो बहुत वॉलेटाइल है जो आपके हाइड्रोकार्बन से ठीक है वो क्या है बहुत जल्दी से इवेपोरेट हो सकते हैं या जल्दी से स्पिल हो सकते हैं इवन वहाँ पे बहुत स्मॉल ओपनिंग्स हो। ठीक है, देन उस केसेस में क्या होते हैं उनको स्पेशल कंसिडरेशन करने पड़ते हैं। देन क्या होता है देन स्पेशल कंसिडरेशन मस्ट बी मेड फॉर देयर स्पेस एंड सिक्योर हैंडलिंग उनको सेफली एंड सिक्योरली अपन हैंडल कर सकें उसके लिए अपन को मेक श्योर करना पड़ेगा कि वहाँ पे अपन ऐसा कोई कंटेनमेंट जोन या बेसिन जनरेट करें जिस
जिसकी वजह से वहाँ पे लिक्विड जो स्पिल हो रहा है वो नहीं हो, उसकी वजह से एनवायरमेंट को हार्म नहीं हो, या कोई इमरजेंसी केसेस या कोई इमरजेंसी जनरेट ना हो, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि ये जो कंटेनमेंट जोन होता है जनरली वो क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। ये होता है दिस यूजुअली इन्वॉल्व्स बिल्डिंग ए कंटेनमेंट डाइक या कंटेनमेंट जोन या कंटेनमेंट बेसिन या कंटेनमेंट डाइक अराउंड द टैंक सो दैट एनी लीकेज मे बी सेफली कंटेन्ड। इन सम केसेस दीस एरिया इज कॉल्ड अ टैंक फार्म, ठीक है। अपन क्या करते हैं कि जो भी लिक्विड की लीकेज हो रही है वो अपन इजीली हैंडल कर सके, तो अपन क्या करते हैं या तो डाइक यानी कोई वॉल जनरेट करेंगे उसके चारों तरफ, या फिर एक ऐसा कंटेनमेंट जोन जनरेट करेंगे या एक टैंक फार्म बोलते हैं उसको कुछ एरियाज में, ठीक है, तो वो आपका जनरेट होगा, ठीक है। तो उसको अपन यूज करते हैं ताकि अपन सेफली एंड सिक्योरली उस चीज को हैंडल कर सके जो ऑयल स्पिल या ऑयल लीकेज हुआ है उसको, ठीक है। इट शुड बी बिल्ड कंटेनमेंट बेसिन शुड बी बिल्ड अराउंड द टैंक्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, ये ब्रिक्स के बने हो सकते हैं, ब्रिक्स और कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट इन सब के बने हो सकते हैं, ठीक है। और इनकी जो लेनिंग होगी वो क्या होगी, शुड बी वेरियस शुड बी इंप्रीवियस टू लिक्विड स्टोर टू प्रिवेंट द स्पिल, ठीक है। ये क्या होनी चाहिए कि जो भी अपन इसके अंदर की लेनिंग करेंगे वो क्या होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि उसको लीक करके या उसको पार करके आपका कोई भी लिक्विड स्पिल हुआ है वो बाहर नहीं जाए, ठीक है। दैट कैन कॉज फायर, जो लिक्विड स्पिल हुआ है वो बाहर नहीं जाए, जो फायर जनरेट कर सकता है, दैट कैन कॉज फायर या प्रॉपर्टी डैमेज और कंटैमिनेट द एनवायरनमेंट, ठीक है। कोई भी लिक्विड स्पिल को प्रिवेंट करे ऐसी चीज को अपन वहाँ पे कंटेनमेंट बेसिन बनाएंगे, ठीक है, वो कॉन्क्रीट या ब्रिक्स वगैरह का भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो ये आपका कंटेनमेंट बेसिन है या जोन है इसका जो मिनिमम कैपेसिटी है वॉल्यूम कैपेसिटी, द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ द बेसिन वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू द कैपेसिटी ऑफ द लार्जेस्ट टैंक, ठीक है। जो टैंक फार्म या कंटेनमेंट जोन अपन ने वहां पे जनरेट किया है उसमें जो उसका वॉल्यूम कैपेसिटी वो कितना होना चाहिए, तो इसकी मिनिमम वॉल्यूम कैपेसिटी है वो इतना होना चाहिए कि जो भी कंटेनमेंट जोन में मैक्सिमम जो भी कंटेनमेंट बेसिन बना है उसके अंदर जो मैक्सिमम या लार्जेस्ट कैपेसिटी का टैंक है प्लस 10% ऑफ द सम ऑफ द कैपेसिटीज ऑफ द अदर, जो अदर टैंक है उनकी 10% कैपेसिटी और उन सबका सम करके इतना कैपेसिटी वॉल्यूम कैपेसिटी वो आपका कंटेनमेंट बेसिन कंटेन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू प्रिवेंट स्पिल और अदर इमरजेंसी द वॉल्स ऑफ द कंटेनमेंट बेसिन मस्ट बी रेजिस्टेंस टू प्रोडक्ट and must be able to withstand considerable pressure, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी अपने कंटेनमेंट जोन की वॉल्स है वो इतनी उसके अंदर इतनी रेजिस्टेंस होनी चाहिए कि वो जो भी प्रोडक्ट स्पिल हुआ है उसकी वजह से जो भी प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको उसको withstand करे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द ड्रेन वॉल, ड्रेन वॉल अपन कंटेनमेंट बेसिन में लगाते हैं which should be incorporated into the outer side of the containment basin must be closed to prevent the possible contamination to the environment. जो ड्रेन वॉल अपन ने लगाया है या कुछ केसेस के लिए जब अपन क्लीनिंग कर रहे हो या कुछ और ऑपरेशन ऑपरेशन वहाँ पे ऑनगोइंग हो तब अपन ड्रेन वॉल यूज करते हैं, बट इन केसेस जनरल केसेस में वो कंटेन जो भी ड्रेन वॉल है आपका वो आपका बंद होना चाहिए ताकि जो भी पॉसिबल ड्रेन वॉल के थ्रू जो कंटामिनेशन पॉसिबल है एनवायरमेंट में वो नहीं हो, ठीक है। तो ये था आपका कंटेनमेंट बेसिन या कंटेनमेंट टैंक फॉर्म, ठीक है। ये स्टोरेज टैंक फॉर्म आपका ऐसा होगा, ऐसे विजिबल अपन देखेंगे तो ऐसा विजिबिलिटी ऐसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ स्टोरेज टैंक, ठीक है। जनरली यहाँ पे बेसिकली देयर आर एट टाइप्स ऑफ टैंक्स यूज्ड इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, आठ टाइप के जनरली अपन यूज करते हैं। उसमें फर्स्ट है आपका फिक्स्ड रूफ टैंक्स, नेक्स्ट है एक्सटर्नल फ्लोटिंग रूफ टैंक, इंटरनल फ्लोटिंग रूफ टैंक, डॉम्ड एक्सटर्नल फ्लोटिंग रूफ टैंक, एंड देन आपका है हॉरिजॉन्टल टैंक्स, देन है प्रेशर टैंक्स, उसके अलावा वेरिएबल प्रेशर स्पेस टैंक्स, और उसके बाद है एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस।
ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस को मतलब स्टोर करने के लिए एलएनजी टैंक्स यूज करते हैं, ठीक है। अब जो ऊपर के आपसे बेसिकली फिक्स रूप टैंक, एक्सटर्नल फ्लोटिंग, इंटरनल फ्लोटिंग एंड डॉम एक्सटर्नल फ्लोटिंग, ये जो बेसिक टाइप के टैंक हैं वो क्या होते हैं, फर्स्ट फोर टैंक्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप, ये सारे सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, ठीक है। एंड मोस्टली अबव द ग्राउंड, ये जो टैंक्स अपन स्टोर करते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट है उनको स्टोर करते हैं अपन, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उनको अपन अंडरग्राउंड स्टोरेज में रखते हैं, कुछ को अपन अबव द ग्राउंड स्टोरेज टैंक बना के उसमें रखते हैं, ठीक है। जो ये ऊपर के चार है, जो आपका फिक्स रूप है, फ्लोटिंग रूप है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल वॉल एंड डॉम्ड एक्सटर्नल फ्लोटिंग रूप है, तो ये चार टैंक है वो जनरली अबव द ग्राउंड अपन फॉर्म करते हैं, या स्ट्रक्चर उनकी अबव द ग्राउंड बनाते हैं और उसमें अपन स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल टैंक है इट कैन बी यूज अबव एंड बिलो द ग्राउंड, इसको अपन अबव द ग्राउंड भी यूज करते हैं और अंडरग्राउंड के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो प्रेशर टैंक है वो हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड होता है एंड स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक है, और स्फेरिकली शेप टू मेंटेन द स्ट्रक्चर इंडिकेटिंग एट हाई प्रेशर। ये क्या होता है कि जो हाई प्रेशर की वजह से उस पर्टिकुलर वेदर या स्टोरेज टैंक की इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहे, वो स्ट्रक्चर डैमेज नहीं हो, उस पर प्रेशर का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आए, तो उसको क्या करते हैं अपन कि इतनी स्फेरिकली डिजाइन करते हैं, हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड रखते हैं, ठीक है, ताकि वो हाई प्रेशर को मेंटेन कर मतलब विदस्टैंड कर सके, ठीक है। ये जनरली होता है लोकेटेड अबाउट द ग्राउंड के अबाउट लोकेटेड होते हैं जनरली, ठीक है। उसके बाद जो वेरिएबल वेपर स्पेस टैंक है वो सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल दोनों शेप में हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिक कितने टाइप के आपके स्टोरेज टैंक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं चॉइस ऑफ स्टोरेज टैंक, स्टोरेज टैंक को अपन चूज कैसे करेंगे कि अपन को किस टाइप का स्टोरेज टैंक कब यूज करना है, ठीक है। तो इसको जनरली जो अपन वाइडली जो यूज करते हैं क्राइटेरिया वो होता है कि हाइड्रोकार्बन जो प्रोडक्ट है, मतलब जो भी प्रोडक्ट है आप उसको स्टोर करने वाले हो, उस प्रोडक्ट का फ्लैश पॉइंट क्या है, ठीक है। फ्लैश पॉइंट के बेसिस पे आपके तीन टाइप के हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी होती है। फर्स्ट आपकी होती है क्लास वन बोलते हैं उसको, ठीक है। क्लास वन में जो उसका फ्लैश पॉइंट होता है वो बिलो 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लास टू हाइड्रोकार्बन होता है उसमें 21 टू 55 डिग्री के बीच में वेरी करते हैं फ्लैश पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका जो क्लास थर्ड हाइड्रोकार्बन होता है वो होता है 55 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपका फ्लैश पॉइंट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। फ्लैश पॉइंट होता है द फ्लैश पॉइंट ऑफ ए वोलेटाइल मटेरियल इज द लोवेस्ट टेंपरेचर एट व्हिच इट्स वेपर इग्नाइट इज गिवन एन इग्निशन सोर्स, ठीक है। ये लोवेस्ट टेंपरेचर होता है किसी भी वोलेटाइल मटेरियल का, अगर अपन उसको इग्निशन सोर्स दे रहे हैं देन वो क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा, ठीक है, या वेपर इग्नाइट हो जाएगा, उसकी जो वेपर जनरेट हुई है वो इग्नाइट हो जाएगी, वो आपका होता है फ्लैश पॉइंट, ठीक है। फ्लैश पॉइंट के अकॉर्डिंग अपन ने देखा कि हाइड्रोकार्बन की तीन क्लासेस होगी, ठीक है। उन क्लासेस के बेसिस पे और जनरली फ्लैश पॉइंट के बेसिस पे अपन क्या करते हैं स्टोरेज टैंक को चूज करते हैं, ठीक है। टैंक्स फॉर पर्टिकुलर फ्लूइड आर चूजन अकॉर्डिंग टू द फ्लैश पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो फ्लैश पॉइंट क्या है उस सब्सटेंस का, उसके अकॉर्डिंग अपन चूज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाइड कौन से टाइप का स्टोरेज टैंक यूज करेंगे वो है आपका, अगर क्लास वन हाइड्रोकार्बन है, क्लास वन हाइड्रोकार्बन मीन्स उसका फ्लैश पॉइंट है वो बिलो 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, देन आप यूज करेंगे फ्लोटिंग प्रूफ टैंक, ठीक है। जो अपन ने बोला कि फ्लोटिंग प्रूफ टैंक है वो यूज होंगे बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लास टू, क्लास सेकंड हाइड्रोकार्बन है, देन आप यूज करेंगे बिटवीन उसका फ्लैश पॉइंट है 21 टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड, देन अपन यूज करेंगे दोनों फ्लोटिंग एंड फिक्स रूप, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, वो उसमें भी डिपेंड करेगा कि उसका वेपर प्रेशर क्या है, ठीक है। देन आपका है क्लास थ्री हाइड्रोकार्बन, क्लास थ्री हाइड्रोकार्बन में फ्लैश पॉइंट रहता है वो है अबाउट दी 55 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, देन आप यूज करेंगे फिक्स रूप टैंक्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फ्लैश पॉइंट जिसका हायर होता जाएगा उसके लिए अपन फिक्स रूप टैंक यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन डिस्क्राइब करें एक एक के बारे में अच्छे से पढ़े एक एक स्टोरेज टैंक के बारे में, उससे पहले उसके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं वो हर एक स्टोरेज टैंक में इंक्लूडेड होते हैं उनके बारे में देखते हैं। वो क्या है, फर्स्ट आपका सैंपलिंग एंड गोल
closing catch. ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है आपका used to retrieve the samples of the content for the examination. ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो sampling and closing catch is used करते हैं, उसका basic ये है कि स्टोरेज टैंक में जो भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट अपन ने स्टोर किया है, उसमें से मुझे उसको अगर एग्जामिन करना है, उसका एग्जामिनेशन करना है, देन मैं क्या करूंगी, मुझे कुछ उसमें से सैंपल्स कलेक्ट करने पड़ेंगे. ठीक है, तो बेसिकली उसमें से सैंपल कलेक्ट करने के लिए अपन सैंपल सैंपल एंड गोजिन गोजिन हैचेस यूज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेपर वेंट. ये वेपर वेंट है, इसका क्या काम है? वेपर वेंट क्या करता है? It is an integral part of the storage tank and it is used for the proper functioning of the storage tank. ठीक है, ये vapor vent का काम है कि जो storage tank है वो proper उसकी functioning हो, वो properly work करे. ठीक है, next है आपका relief valve. Relief valve क्या करेगा? It is designed to relieve excess pressure if it rises above the safety limit. ठीक है, ये क्या करेगा? रिलीफ वॉल्व का काम होगा कि अगर जो अपना स्टोरेज टैंक का एक प्रेशर है और अपन को पता है कि इसका लिमिट इतना है, अगर वो सेफ्टी लिमिट को क्रॉस कर रहा है, प्रेशर एक्सेस में जा रहा है, तो उसको रिलीफ करने का या उसको रिलीव करने का काम है. जो एक्सेस प्रेशर जनरेट हुआ है सेफ्टी लिमिट के अबव, उसको रिलीव करने का काम है, वो होता है रिलीफ वॉल्व का. ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनर गैस ब्लैंकेट. इनर गैस ब्लैंकेट क्या होता है? जनरली क्या होती है कि स्ट्रेस टैंक में अगर एयर वहां पे रह जाती है तो वो क्या करती है कि जो भी आपका हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट है उसके साथ मिक्स हो गया, एक्सप्लोजिव मिक्सचर जनरेट करने लगती है. ठीक है, उसकी वजह से फायर हैजार्ड हो सकते हैं. तो अपन क्या करते हैं कि इनर गैस का ब्लैंकेट काम यूज करेंगे. इसका यूज क्या होगा? यूज टू डिस्प्लेस द एयर दैट इज लाइकली टू फॉर्म एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर विद वेपर्स फ्रॉम द लिक्विड. जो लिक्विड से वेपर्स जनरेट हुई है वो और वो एयर दोनों क्या करेगी? एक्सप्लोजिव मिक्सचर फॉर्म करने की एक्सप्लोजिव मिक्सचर फॉर्म करती है. तो वो जो एयर है उसको डिस्प्लेस करने के लिए अपन क्या करते हैं कि एक इनर गैस का ब्लैंकेट वहां पे डालते हैं, मतलब अपन इनर गैस को वहां पे डालते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्रेन वॉल्व. ड्रेन का यूज क्या है? यूज टू नॉट ओनली रिमूव द वॉटर. ये जनरली ड्रेन वॉल्व होते हैं वो वाटर को रिमूव करने के लिए होते हैं स्टोरेज टैंक में, बट उसके अलावा इसका क्या काम क्या होगा? नॉट ओनली टू रिमूव वाटर बट ऑल्सो एम्प्टी द टैंक ड्यूरिंग द क्लीनिंग. अगर मुझे स्टोरेज टैंक को क्लीन करना है देन अपन ड्रेन वॉल्व को यूज करते हैं उसको खाली करने के लिए, टैंक को एम्प्टी करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट है आपका फायर प्रोटेक्शन. फायर प्रोटेक्शन में क्या होगा? ये फायर प्रोटेक्शन सिस्टम होता है उसका, उसमें वो क्या करता है कि जनरली स्प्रेस फॉर्म इन द इवेंट ऑफ द फायर. अगर वहां पे एक फायर जनरेट हो चुकी है, कहीं भी एक्सप्लोजिव मिक्सचर जनरेट हुआ है, किसी भी वजह से स्टोरेज टैंक में अगर फायर जनरेट हुआ है, तो उस फायर को सप्रेस करने के लिए फायर प्रोटेक्शन सिस्टम क्या करता है? कुछ स्प्रे या कुछ फोम वगैरह को वहां पे डालता है ताकि वो फायर को अपन सप्रेस कर सके. ठीक है, या फायर को कंट्रोल कर सके. नेक्स्ट है आपका अर्थ कनेक्शन. ये क्या करता है? प्रिवेंट्स द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन. ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेन होल. ये क्या कर रहा है? ये क्या करेगा? फैसिलिटेट्स द एक्सेस टू इंटरनल एरियाज ऑफ द टैंक फॉर द इंस्पेक्शन. अगर मुझे टैंक का इंस्पेक्शन करना है देन वहां पे उसकी उसके लिए टैंक में जाना पड़ेगा, उसके लिए अगर मुझे एक्सेस प्रोवाइड करते हैं तो वो मेन होल प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, ये था स्टोरेज टैंक के जो कुछ एसोसिएटेड फीचर्स होते हैं जो हर एक स्टोरेज टैंक में होते हैं और वो कौन से फीचर्स का क्या काम होता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड लूप टैंक. जो पहला स्टोरेज टैंक था अपना वो है फिक्स्ड लूप टैंक. फिक्स्ड लूप टैंक जनरली क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर लिक्विड विद वेरी हाई स्प्लैश पॉइंट्स, फॉर एग्जाम्पल फ्यूल ऑयल, वॉटर, बिटुमिन, इन सब के लिए. ठीक है, जो अपन ने देखा था कि अगर फ्लैश पॉइंट कैटेगरी 3 हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी 3 है, क्लास 3 है, जहां पर फ्लैश पॉइंट आपका वेरी कर रहा था अबव 45 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहां पे अपन फिक्स्ड लूप टैंक यूज कर रहे थे. ठीक है, तो जहां पे जिनको आपको लिक्विड चिंता बहुत ज्यादा हाई फ्लैश पॉइंट होता है वहां पे अपन फिक्स्ड लूप स्टोरेज टैंक यूज करते हैं उनको स्टोर करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट है ये क्या होता है? कॉन रूफ हो सकता है, डोम रूफ हो सकता है, या फिर अम्ब्रेला रूफ हो सकते हैं, जो कि इसके यूजुअल टाइप्स होते हैं.
ये तीन टाइप के हो सकते हैं फ्लिक्स रूफ में, जो इनकी रूफ होती है वो कौन हो सकती है, डॉम हो सकती है या फिर अम्ब्रेला की शेप में हो सकती है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल स्टील शेल विद अ कॉन और डोम शेप रूफ दैट इज परमानेंटली अफिक्स्ड टू द टैंक शेल। जो टैंक का शेल होता है उसके ऊपर जो एक उसकी सिलेंड्रिकल शेप होती है उसके ऊपर इसकी एक रूफ होती है वो परमानेंटली इसमें फिक्स होती है। वो रूफ आपकी कॉन टाइप की हो सकती है या फिर अम्ब्रेला टाइप की हो सकती है या फिर डोम शेप की हो सकती है, ठीक है। यूजुअली इट इज फुली वेल्डेड एंड डिजाइन फॉर द बोर्ड लिक्विड एंड पेपर टाइप, मतलब जनरली ये वेल्डेड होता है, फुली वेल्डेड होता है। इसको जो कंस्ट्रक्ट करते हैं अपन वेल्डिंग प्रोसेस के थ्रू सारे इसके पार्ट्स को अपन वेल्डेड रखते हैं। और ये क्या होता है कि जनरली डिजाइन होता है लिक्विड एंड पेपर टाइप, मतलब उसमें से पेपर भी इजीली एस्केप नहीं करेगा, ठीक है। बट जो ओल्डर वर्जन है फिक्स्ड रूप के उनमें क्या हो गया है, व्हाई ओल्डर टैंक्स आर ऑफन हैव देयर रिवेटेड और वोल्टेड कंस्ट्रक्शन एंड आर नॉट पेपर टाइप। उसमें क्या होता है कि जो भी वोल्टेड जो अपन स्क्रू या ये सब यूज करके अगर टैंक को अपन ने स्ट्रक्चर उसकी फॉर्म करी है, देन उसमें क्या होता है कि जो पेपर है उसको पेपर टाइप नहीं कर सकता, पेपर उसमें से एस्केप कर सकती है, ठीक है। ये थे आपके फिक्स रूफ टैंक। अब अपन देखते हैं कि फिक्स रूफ टैंक का दिखता कैसा है। ये इसका एक क्रॉस सेक्शन डायग्राम है कि ये ऐसा दिखता है। यहाँ पे इसका फ्लोट गाइडिंग पॉइंट है, ये फ्लोट है आपका, ठीक है। ये इसकी एक्सपेंडिंग प्लेट है, यहाँ पे ऑयल आपका इसके थ्रू इन करेगा, ठीक है। ये आपका लेवल ट्रांसमीटर है जो इसके लेवल को बताएगा कि इसका लेवल क्या है, इसका लेवल क्या है इस फ्लोट टैंक के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ऑयल आउटलेट के लिए बना हुआ है, यहाँ पे ये डम प्लेट है, जहाँ डेटम की प्लेट है, जहाँ पे बताएगा कि टैंक का डेटम कहाँ पे है, ठीक है। ये वाटर आउटलेट के लिए ड्रेन बना हुआ है, यहाँ पे गैस आउटलेट के लिए भी ड्रेन वॉल बना हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसा दिखता है। उसके अलावा इसके जैसे अपन ने बोला था टाइप में कि इसकी जो रूफ होती है वो डोम शेप की हो सकती है, तो डोम रूफ टैंक है वो आपके ऐसे विजिबल होंगे, ठीक है। इसकी जो ऊपर की स्ट्रक्चर होगी वो ऐसे होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉन रूफ, कॉन रूफ में ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका था अम्ब्रेला, अम्ब्रेला शेप की होगी वो ऐसी दिखाई दे रही है, इस टाइप के स्टोरेज टैंक होंगे, ठीक है। फिर फिक्स रूफ में अपन ने क्या बोला कि इसमें क्या होता है, ब्रीदर वॉल्व भी होता है। ब्रीदर वॉल्व को अपन प्रेशर वैक्यूम वॉल्व भी बोलते हैं। ये क्या करता है, इट अलाउज द टैंक टू ऑपरेट एट ए स्लाइट इंटरनल प्रेशर और वैक्यूम। ये जो ब्रीदर वॉल्व या प्रेशर वैक्यूम वॉल्व होता है इसका काम क्या होता है कि ये अलाउ करता है कि जो भी आपका स्टोरेज टैंक है वो ऑपरेट करे किस पे, स्लाइट इंटरनल प्रेशर पे या फिर वैक्यूम पे, ठीक है। दिस वॉल्व प्रिवेंट्स द लीक ऑफ द वेपर्स ड्यूरिंग ओनली वेरी स्मॉल चेंजेस इन द टेंपरेचर, बैरोमेट्रिक प्रेशर एंड लिक्विड लेवल, ठीक है। ये ऑपरेट करेगा कि अगर थोड़े से भी लिक्विड लेवल में चेंजेस आए हैं या फिर टेंपरेचर में चेंज आया है या फिर बैरोमेट्रिक जो प्रेशर है या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, तो उसकी वजह से भी वो ऑपरेट होगा और उसके प्रेशर को मेंटेन करने में, जो स्टोरेज टैंक का एक है कि वो इंटरनल प्रेशर, जो स्लाइड इंटरनल प्रेशर है या वैक्यूम है उस पर ऑपरेट करे, तो ये मेक श्योर करेगा कि वो उसी प्रेशर पे ऑपरेट करे अगर उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं कुछ टेम्परेचर में या फिर प्रेशर में फेज, ठीक है। नेक्स्ट है एडिशनली डोज हैचेस सैंपल वेल्स फ्लोट डोजेस एंड रूफ मेन होल्स प्रोवाइड एक्सेसिबिलिटी टू दीज टैंक्स। जैसे अपन ने पहले देखा था कि इस टैंक के अंदर ही एक्सेस कर दें क्योंकि ये जो गोज है जैसे वो सैंपलिंग के लिए काम आते हैं, अगर उनके सैंपल को एग्जाम कलेक्ट करके जो भी प्रोडक्ट है उसको एग्जामिन करना है या फिर मेन होल्स है उसकी क्लीनिंग के लिए, उसके इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। ऑल्सो सर्व एज पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ वोलेटाइल इमिशन। अगर ये सारे सैंपलिंग करते हैं अपन या फिर उसकी इंस्पेक्शन के लिए या फिर कुछ और वजह से अगर टैंक के अंदर लीक करते हैं कोई भी सैंपल वगैरह, तब क्या होगा कि ये सारे सोर्सेस होंगे किसके, पोटेंशियल वोलेटाइल। जब ये चीजें होंगी तब क्या होगा उसके अंदर लॉसेस होंगे, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के। फिर लीस्ट एक्सपेंसिव, इसका एडवांटेज ये है जब छूट का कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, लीस्ट एक्सपेंसिव है, जनरली इजी टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है। ये इजीली कंस्ट्रक्ट हो सकता है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है कंपेयर टू अदर स्टोरेज टैंक्स।
नेक्स्ट इसका क्या है डिसएडवांटेज की इमिशंस फ्रॉम फिक्स रूम फैंस कैन बी अप्रिशिएबल. ठीक है, अगर बॉल्स का क्या होता है कि फिक्स रूम में फिक्स रूम अपन कुछ रूफ प्रोवाइड नहीं करके ओपन टेंट अगर ओपन रूफ रख रहे हैं तो वहाँ पे इमिशन लॉसेस भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये था आपका फिक्स रूफ टैंक. उसके अलावा कितने तरह के टैंक्स होते हैं एंड अपन ने देखा कि कौन कौन से उसके एसोसिएटेड फीचर्स होते हैं और कौन से फीचर का क्या काम होता है. नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि अपना जो एक्सटर्नल फ्लोटिंग रूफ टैंक है या इंटरनल फ्लोटिंग रूफ टैंक है उनके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, क्या उनकी स्ट्रक्चर होती है. ठीक है, तो बाकी के जो भी स्टूडेंट्स टैंक है वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे. ठीक है, थैंक यू.